साहब तो 5 बजे आ जाते थे, आज इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो परेशान हो रहा है। हाय हे भगवान, नट्टू आ गया। अंकल क्या है? अंकल अरे श्रीमान तो रक्षे में बैठ के घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे भैया। रक्षे में? हाँ। क्या ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं गया? अरे वाहन में बाधा उत्पन्न हो गई थी, हमने रक्षे में उन्हें भेज दिया था ना। पर वो तो आया नहीं, आज हमारी तारीख थी, लागा तो साहब कचहरी में। अबे आधी रात को तेरे बाप ने कचहरी लगाई है, तेरी अम्मा का केस चल रहा है क्या? मिलका भोंगा है? अबे मिलका भोंगा नहीं है, लोगों ने मार मार के मेरी इतनी खराब हालत कर दी, खाने को कुछ नहीं दिया, कुछ खाने को दो ना। ए भिखारी चुप, मैं तेरे खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, चल उठ सोफा पर से उठ। अरे मियां भीख मांगने का कोई वक्त होता है? आधी रात को भीख मांगना है? अरे इतना जुलम मत करो यार। ये लो भाई ये पैसे रख लो और जाके किसी होटल में खाना खा लो। हाँ भाई ये शरीफों घर जाए। तुम भिखारी समझता है? तू भिखारी, तेरा बाप भिखारी, तेरे बाप का बाप भिखारी। अरे अरे अरे, अरे हमें ऐसा आभास हो रहा है ये वाणी हमारे श्रीमान जैसी है भैया। अरे हमहू के लगे थे कि हमारे साहब बोले थे। हमने तुम लोगों को गोली मार मार के तुम लोगों की खटमल जैसी हालत कर दूंगा। आराम करो, मैं इस घर का मालिक विद्यापति सेठ बोल रहा हूँ। अंकल अंकल, ये आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? किसने कर दी? लगन तू इधर आ। जी उल्लू के पट्टे, तूने मुझे उसकी दिशा में क्यों बिठाया? अरे वो मुझे खंडर में ले गए साहब, अचानक उसके साजिंदे आ गए। अंकल साजिंदे? अबे वो घटिया कव्वाल है, उसने और उसके 150 साजिंदों ने मिलकर वो मुझे चैरिटी शॉट मारे। ऐसा मारा जैसे साले वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बांग्लादेश के बॉल की पिटाई कर रहे हो, मार मार के मार मार के। शायद मैं उसको जानता हूँ। तू जानता है? हाँ। तू मुझे इसका पता बता, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर को अपने सर पे लगाता हूँ। पैर तो यहाँ है। ओ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, एक बार पता बता दे, मैं उसको 700 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 700 साल ज्यादा है, चल 70 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 70 साल का होता है? अभी तेरा बाप लगता है क्या? मैं कितने भी साल के लिए अंदर कराऊंगा। कुकु जी हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? किसे अंदर कराने की बात हो रही है? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन है ये? डैडी डैडी डैडी, इस किस्म के डैडी? इस किस्म के डैडी? डैडी डैडी की भी किस्म होती है? अबे लाना दे इसकी जिंदगी पर यार। मतलब बेटा, ये जब इंसान का बुरा टाइम चलता है ना, तो उसकी खटिया में से खटमल की जगह बिच्छू निकलते हैं, हवा में मच्छर की जगह सांप तैरते हैं, सब नहीं मिल गए मेरे डस लाने दे यार। लेकिन आपकी हालत? तू चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक हूँ, पैसे वापस कर। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ।